तुम्हारे पास कु इतार थी इख्तियार था तुमने एहतजाज करने वालों पर भी लाठियां बरसाई तुमने उन्हें बंद किया और खुद कुछ भी ना कियाखजा इनसे होगा लिहाजा हम उन्हें इस शरी फतवा की तरफ मुतवज्जे कर रहे हैं हकूमत इस बात की तरफ गौर करे तवज्जो करे कि सिर्फ बाइकाट या सफीर निकालना ही काफी नहीं अगरचे वो भी जरूर निकाले लेकिन आगे ये है कि जिसकी वजह से इनके कंधों से बोझ उतर सकता है वरना माशर का पेपर हल नहीं होगा बादशाह अगर तोहीन करे तो सिर्फ मसनुआत का बाइकाट नहीं अगरचे यहां तो वो भी ना हुआ सिर्फ सफीर को निकालना नहीं यहां तो वो भी ना हुआ सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के नजदीक सर उतारना लाजिम है एहतजाज हमारा काम है आवाज बुलंद करना हमारा काम है कुरान सुन्नत से बयान करना हमारा काम है बादशाह का काम सिर्फ ये नहीं कि एक आध बयान दे दे उसका काम ये है जब वो दावेदार भी हो रास्ते मदीना का तो फिर कह पैरोकार बने सलाहुद्दीन का अलबिदाया वन नहाया के अंदर बारहवीं जिल्द में पांच सौ इक्यासी हिजरी के जो हालात लिखे हैं इबन कसीर ने उसमें हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन रहमत का तस्करा है मारेदा सुल्तान का मर्दन शीदा शदीद मरज लाहिक था सुल्तान सलाहउद्दीन यूबी को सुम्मा नजारा ल शफ़ाहुल्लाह शफाह में मरद ही हाजा लिफ हिमत कुल्लाह इला कि तालिल फरंज अगर रब ने मुझे शिफा दी तो मैं अंग्रेजों को नहीं छोड़ूंगा वो यक तुलन्न अल बुरनू साहेब करक बेते ही के जो बुरुस अरनाथ करक का जो हुक्मरान है उसको मैं अपने हाथ से कत्ल करूंगा वो क्रिश्चियन था तो सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी रहमुल्ला ने कहा रब ने शिफा दी तो मैं उसको तो अपने हाथ से मारूंगा क्या जुर्म था उसका कहते हैं नाकदल अहदा। एक तो उसने अहद तोड़ा था वह तनक का सर रसूल सलम और नबी अक्रम सला बेदबी की थी बेदबी कैसे की थी वजाली का काफिला तन मिस्र इल शाम मुसलमानों का काफिला जो मिस्र से शाम जा रहा था उस काफिले को उस करक के बादशाह ने बर्न अरनात ने पकड़ा गिरफ्तार कर लिया उन ताजरों को फ़ाख़ाज़ा अम्वाल अहम माल छीन लिया वा बारिकाब अहम और उनकी गर्दने उड़ा दी शहीद कर दिया उनको जो मिसर से मुसलमान ताजर जा रहे थे शाम की तरफ वह हुआ यकूलो आज लोग कहते हैं कितने में तोहिन हीन कैसी हो जाती है तोन यूं हुई कि जब उसने उन मुसलमानों के सर उतारे तो साथ वो ये कह रहा था ऐ ना मुहमद हो है तुम्हारे मुहम्मद वसल्लम उनको बुलाओ कि वो तुम्हारी मदद करे ये उस जालिम हुक्मरान ने ताना दिया तो इससे जो चीज माखूज हो रही थी कि माज अल्लाह वो ये बताना चाहता है कि मोहम्मद अरबी वसल्लम के गुलामों का कोई आसरा नहीं कोई सहारा नहीं फद ये लफज जो थे ये चुभे हजरत सुल्तान अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के सीने में कि इसका मैंने बदला लेना है उससे अभी अलहदा बात है कि आज हम किसे सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी कहें और यह भी हालात देखो कि आज के वसायल जो उम्मत मुस्लिमा के पास हैं उस वक्त के वसायल से कहीं ज्यादा है वह आफाहो मिलजा लिकल मरव अल्लादी का नफी है अल्लाह ने आफियत दी कि जब जंग हुई और कहा कि उसे जिंदा पकड़ना है अब बाकी जो हैं बादशाह मुख्तलिफ़ इलाक़ों के सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने एक खेमे में बिठाए हुए थे सारे इलाके फतेह करके और ये जो है इसको कहा मेरे सामने खड़ा करो फलम ऊ केफ़ा बईना यदई है का मा इले सैफ जब उसे खड़ा किया गया तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रमत लुद तलवार ले उठे वदाहू इल इस्लाम ये एक आखरी आखरत का जो अजाब है उसके लिहाज से वह हज्ज ताम कर रहे थे उसे इस्लाम की दावत दी फमताना फक अलहू नाम अना अनूबु अर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा तुमने कहा था ऐ ना मोहम्मदकुम फदहू यनसरकुम का मोहम्मद अरबी की जरब तो बहुत बड़ी जरब है ये गुलाम में मोहम्मद की जरब आ गई है नाम आना अनूब अल रसूल सल्लाह वसलम फिल इंतिसार ले लि उम्मते ही कहा मैं हूं नायब रसूल अलैहि वसल्लम अनूब अर रसूल फिल फिर उम्मती ही के सरकार वसल्लम के गुलामों का बदला लेने के लिए सरकार ने मुझे भेज दिया है यह हमने उस वक्त भी पेश किया था जब लोगों को मुमताज हुसैन कादरी के बारे में तशवीश थी कि दहशत गर्द कहें या गाजी कहें तो मैंने कहा ऐसे मौके पे जो सामने आए वो नियाबत में आता है और साथ ही तलवार चला दी ही इलाल मुलूक। सिर्फ सर नहीं उतारा सर उतार के बादशाहों की तरफ भेजा वह हम फिल खेमा यानी जिन इलाकों के बादशाह बंद किए हुए थे खेमे में इलाके फते करके तो वो बादशाह जो है उनके सामने इस बादशाह का सर उतार के भेजा और साथ ये उन्हें पैगाम दिया इन وسلم इसने मेरे अलैहिस्सलाम को गाली दी थी मैं जो गाली दे मेरे महबूब को उसका फैसला यूं ही करता पार। पार।